न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, पीएन घाटी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर। वैक्सीन लेने के दौरान वीडियो बनाने से रोकने पर लरेटो कन्वेंट और एजी चर्च स्कूल की लड़कियों ने आसनसोल जिला अस्पताल में किया जमकर हंगामा। कंप्यूटर का मॉनिटर पटका, पुलिस ने लिया हिरासत में। तृणमूल युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सायनी घोष ने निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने आसनसोल में किया प्रचार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ देने पर किया कटाक्ष। से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री गेछेन, आरो एकटु डिस्टर्ब जदि करा जाय सेखाने। आसनसोल के वार्ड नंबर 23 के तृणमूल उम्मीदवार सीके रेशमा और निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश दास के समर्थक आपस में भिड़े, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। आजकल वैक्सीन लेने पर लोग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन यह शौक उन छात्राओं के लिए भारी पड़ गया जो आसनसोल जिला अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए मंगलवार को गई थी। यहां मंगलवार को आसनसोल के लरेटो कन्वेंट की 11वीं कक्षा और एजी चर्च की 9वीं कक्षा की छात्राओं को वैक्सीन लेने के लिए बुलाया गया था। यहां की नर्सें छात्राओं को जब वैक्सीन दे रही थी, तभी कुछ छात्राएं उसका वीडियो बनाने लगी, लेकिन नर्सों ने बताया कि अस्पताल के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है, लेकिन ये छात्राएं नहीं मानी और लगातार वीडियो बनाती रही। नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के बार बार मना करने के बाद दो छात्राएं काफी आक्रोशित हो गई। अपनी तर्क वितर्क का मामला फैसिलिटी मैनेजर के कक्ष तक पहुंच गया। इसी दौरान हंगामे के बीच एक छात्रा इतनी उत्तेजित हो गई कि वहां रखे कंप्यूटर के मॉनिटर को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। इस घटना की खबर जब अस्पताल के प्रबंधन ने पुलिस को दी, खबर पाकर मौके पर पुलिस अधिकारी महिला पुलिस कर्मियों को लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस कंप्यूटर मॉनिटर पटकने वाले छात्रा को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर आसनसोल दक्षिण थाना ले गई। हालांकि इस दौरान छात्रा के परिवार के अभिभावक भी थे, वे लोग भी थाने तक गए। इस घटना के संबंध में अस्पताल के अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने बताया, আমরা একটা মিটিং করছিলাম নতুন বিল্ডিং এ, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা তো প্রথম থেকে এখানে ভ্যাকসিনেশন করে আছি, হাজার হাজার লোক এখানে ভ্যাকসিন নিয়ে গেল। তো আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বা অন্যান্য যারা কর্মচারী ছিল নার্সিং স্টাফদের কাছে খবর পেলাম যে ভ্যাকসিন দেওয়ার সময়ে দুটো মেয়ে এবং তাদের গার্জেনরা ওই মানে দুটো মেয়ে বোধহয় ইয়ে করছিল, মানে ভিডিও করছিল। তো যারা ভ্যাকসিন দিচ্ছিল তারা ওখানে কমপ্লেন করেছে যে এখানে একটা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে, আপনারা এখানে ওই ভিড় ভাড়াকা করে ভিডিও ফিডিও কেন তুলছেন। এই করে আর কি ওদের রাগ হয়ে এসে পরে তারা চিৎকার চেঁচামি করে এসে আমার ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের ঘরে যে কম্পিউটার আছে কম্পিউটারটাকে আছাড় মেরেছে। এখন জানি না কম্পিউটারটা কতটা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনাটাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে। আপনারা কি কমপ্লেন করছেন? এখন স্কুলে পড়ে আমরা ভাবছি যে অল্প বয়স যেহেতু স্কুলে পড়ে, একটি স্কুলের টিচারদের বা ওদের হেডমাস্টার যিনি আছেন বা প্রিন্সিপাল আছেন তাকে হয়তো জানানো দরকার, প্লাস হচ্ছে থানাতে একটা আমরা ইনফরমেশন দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি আর কি। हालांकि एक डॉक्टर होने के नाते अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने यह स्वीकार किया कि कोरोना पाबंदियों के कारण इतने दिनों तक स्कूल बंद रहने से स्कूल छात्र छात्राएं तरह तरह से मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए वह कंप्यूटर मॉनिटर पटकने वाले छात्राओं को माफी देने के हक में है। एक तो भावची तैयार की तो एडल्ट ना एक नाइन पढ़े और वो एक इलेवन लिखा हुआ है आसनसोल नगर निगम चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं और वे चुनाव लड़ भी रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक तृणमूल कांग्रेस के बागी कार्यकर्ता हैं, जो टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़े हो गए हैं। इनके चुनाव लड़ने से उन वार्डों में तृणमूल को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कानून मंत्री मलय घटक भी इस संबंध में कह चुके हैं कि बागी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। अब उनके स्वर में स्वर मिलाया है आसनसोल प्रचार करने पहुंचे तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सायनी घोष ने। उन्होंने आसनसोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा और चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही जो लोग निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। কৌশিক রয়েছে আমরা কোনো কিছু যেটা দলের বিরুদ্ধে যাবে এরকম কোনো খবর আছে কি দলের কাছে দেখুন আমাদের কাছে অনেক রকম খবর আছে একটা ভোটের মাহল এখন ভোটের সময় আমরা কোনো রকমের অশান্তি চাই না কিন্তু এটা যেন না ভাবা হয় যে কোনো রকম ব্যবস্থা দল নেবে প্রথম কথা হচ্ছে যারা প্রথম ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি যুব থেকে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের এক্সপ্রেশন হবে তারপরে কে কাকে সাপোর্ট করছে কে জল মাপছে কে পাঁচিলে থাকছে কে কি করছে না করছে তাদের ব্যবস্থা যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে অবশ্যই নেওয়া হবে এবং সেটা আপনারা দেখতে পাবেন when it comes out। हालांकि सायोनी ने आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के लोगों से भी अपील की है कि वे निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट नहीं करें। हमरा काज करते भय पाई ना अनेक एमन कैंडिडेट रहेछेन जरा इंडिपेंडेंट भावे दाड़िएछेन तादेर विचार तो अवश्य साधारण मानुष करबेन कारण तारा नानान जायगाय गिये वोट चाइछेन एबं बोलछेन जे आमाके वोट दिन एरपर आमी तृणमूल कांग्रेस जयन करब काजे आमी सबाईके आसनसोलेर मानुषके रिक्वेस्ट करब जे एई मानुषगुलोके आपनारा বেশি তোল্লাই দেবেন না এদেরকে আপনারা নিজেদের সংস্পর্শে আনবেন না এদেরকে ভোট দেবেন না এবং আমি আজকে আমার সভাতেও বলেছি যুবর কেউ যদি যুবর কোনো ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বা কোনো বুথ প্রেসিডেন্ট বা কোনো লিডার যদি নিজে থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্টের ক্যান্ডিডেটশিপ ক্যান্ডিডেটের দিয়ে থাকে যদি নাম দিয়ে থাকে তাহলে আমার কৌশিককে বলা আছে দ্যাট পারসন উইল বি এক্সপেলড তাদের দলের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ থাকবে না কারণ আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখে দল করি ওনার লিডারশিপে আমরা আগামী দিনে চলবো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেথডে আমরা চলবো এবং আমি সবসময় বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে আমাদের মাথার মুকুট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে আমাদের হাতের অস্ত্র এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আমাদের লিডারশিপ হচ্ছে আমাদের পায়ের তলার মাটি। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी जीटी रोड आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता, तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराए, हम देंगे आपको एक माह की रकम अपनी ओर से, तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस जीटी रोड आसनसोल, गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। आसनसोल में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने प्रचार में जोर लगा दिया है। एक दिन पहले बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने आसनसोल में धुआंधार प्रचार किया। अब मंगलवार को बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार ने भी आसनसोल में वार्ड नंबर 83 और 84 में रोड शो कर प्रचार अभियान चलाया। उसके साथ बीजेपी के आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घुरुई और जिला अध्यक्ष दिलीप दे भी थे। इन दोनों वार्डों के बीजेपी प्रत्याशी भी उनके साथ थे। सुकांतो मजुमदार ने लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पर कटाक्ष किया। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। देखो बनर्जी परिवार एक जन सदस्य उत्तर प्रदेशे जादव परिवार के सहाज्य करते गेछे। ये समस्त जो रिजनल पार्टीगुलो आछे, आंचलिक दलगुलो आछे, एगुलो एक एक प्राइवेट लिमिटेड कमिटेड लिमिटेड कम्पानीर मतो काज करछे एवं एदेर व्यक्तिगत स्वार्थ छाड़ा, परिवारिक पारिवारिक स्वार्थ छाड़ा अन्य कोनो स्वार्थ नहीं। বাংলায় একটা কথা আছে, সুরির সাক্ষী মাথাল। তো এখন মমতা ব্যানার্জি সেটাই করতে গেছেন ওখানে। অখিলেশ যাদব, যার আমলে উত্তরপ্রদেশের অবস্থা কি ভয়াবহ হয়েছিল, যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের স্বর্গরাজ্য ছিল সেই উত্তরপ্রদেশ, সেই উত্তরপ্রদেশ এখন বর্তমানে যোগীজির শাসনে উত্তম প্রদেশে পরিণত হয়েছে। সে উত্তম প্রদেশে এখন মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আরও একটু ডিস্টার্ব যদি করা যায় সেখানে। आसनसोल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में जाकर अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पर कटाक्ष किए जाने पर तृणमूल युवा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सायनी घोष ने पलटवार किया है। उन्होंने किन शब्दों में सुकांतो को जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। উত্তরপ্রদেশ এখন বর্তমানে যোগীজির শাসনে উত্তম প্রদেশে পরিণত হয়েছে। সে উত্তম প্রদেশে এখন মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আরো একটু ডিস্টার্ব যদি করা যায় সেখানে। প্রধানমন্ত্রী জি নে আকে ভি কিয়া থা দিদি কে বারে মে উসকা জবাব তো দে দিয়া না বঙ্গাল কি মা বহনোঁ নে। तो ये सब देखिए, ये पॉलिटिकल एक चीज होती है कि पॉलिटिक्स करते 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 इतना नीचे ना गिर जाए कि और खुद ना उठ पाए, ठीक है। तो ये सुकांतो जी, उनको खबर में रहना है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को कुछ ज्यादा आता जाता। दीदी, आज देखा गया कि दीदी 2 दिन से यूपी में प्रचार कर रही है, क्या बोलेंगे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अखिलेश जी के समर्थन में वो गई है और हम लोग हमेशा यही बोल रहे हैं कि कहीं भी जाए हमारी फाइट, हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है, वो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जोगी जी के विरुद्ध अखिलेश जी खड़े हैं और यहाँ पे एक टक्कर की फाइट होने वाली है। एंड दिस आर द टाइम्स जहाँ पे सॉलिडैरिटी दिखाना होता है, और जब सॉलिडैरिटी दिखाने की बात आती है, ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें
जस्ट ज्वेलरी, हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। बहुत बार लगा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों और तृणमूल प्रत्याशी सीके रेशमा रामकृष्णन के समर्थकों में इतना विवाद बढ़ गया कि पुलिस को शांति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने इलाके में पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और स्थिति काबू में करने का प्रयास किया। दरअसल तृणमूल उम्मीदवार सीके रेशमा की समर्थक अंजू सिंह ने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश दास घरों में जाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहे हैं। मिथिलेश अपना सब मैंने लड़का लोग को जो मौत खार के रात को 12 बजे घर में जाके धमकी देता है कि नहीं, 2 नंबर बटन को नहीं देना है, 4 नंबर सूरज छाप को देना है, घर का बेटा है। तो क्या हुआ, वो उठा है तो क्या 12 बजे रात को किसी का घर में जाएगा, किसी का घर में जाके धमकाएगा। इधर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सीके रेशमा ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार इलाके में गलत प्रचार कर रहे हैं और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जे जे प्रार्थी अच्छे निर्दले, उन्हीं निजे बुकेर मध्य चाबी दिए, गाड़ी चाबी दिए এরকম উখড়ে বলছে आप हमको नोचे है। এই ধরনের এরা আর শুধু হিন্দু মুসলিম মন্দির মসজিদ এটাই করছে। এইভাবে নিজেদেরকে ওরা এত ভয়ভীত হয়ে গেছে। আমার ভোটের, আমার উপরে যে মানুষের কনফিডেন্স, ভালোবাসা আছে, মহিলারা বলছে যে দিদি এই ধরনের কিভাবে এরা কি নোংরামি শুরু করে দিয়েছে, এদেরকে এইগুলো মেনে নিয়ে যাবে না। আমাদের কিন্তু ভারতে এই সব জিনিস থাকে না। অবশ্যই আমি পুলিশকে ইনফর্ম করেছি, পুলিশ এসেছে তদন্ত করছে, পুলিশের সামনেই হলো মিথ্যে কথা যেগুলো বলছিল, পুলিশ একদম হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। ওনাকে আমি বললাম যদি ওনাকে যদি আমি আক্রমণ করেছি বা কিছু করেছি, ও এত মিথ্যে কথা বলল যে চাবি দিয়ে নিজেকে খামছে বলছে বা তুলেছে বলে বলছে যে আমাকে অ্যাট্যাক করেছে,
এতটা ভয়ভীত হয়ে গেছে যে একটা মহিলাকে কিভাবে ফাঁসাবে সেটা ওরা সকাল থেকে বুঝে উঠতে পারছে না, এতদিন ধরে বুঝে উঠতে পারছে না, এতদিন ধরে বিভিন্ন রকমের নোংরা প্রচার করতে থাকলো আর আজকে ওরা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করলো। এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাবে না, পুলিশকে অ্যাকশন নিতেই হবে। এরকম সঞ্জিত কিন্তু একটা কি বলবো, পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই তার কাছে ট্র্যাক রেকর্ড থাকবে, ও কি ধরনের লোক, নিজেকে যে পারে গাড়ির চাবি দিয়ে এইভাবে নিজেকে তুলে বলছে যে আমি খামছেছি, ও কিছুও করতে পারবে। তো পুলিশ কিন্তু এটার অ্যাকশন নেওয়া উচিত, প্রশাসনের কিন্তু এটা নেওয়া উচিত। এই ধরনের ক্রিমিনাল কিন্তু এই ইলেকশন মোড়ে, সে কিন্তু প্রার্থীর ভাই, এরকম ঘোরা উচিত না, খুলে আম এরকম ঘোরা উচিত না। लेकिन इधर वार्ड 23 के निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश दास ने सारे आरोपों को नकार दिया और उल्टे कहा कि सीके रेशमा ने उनके लोगों पर हमला किया है। आज के सकाल बेला अमर मैकिंग बेरिए छे, तो अमर मैकिंग होच्छे, पूरो 23 नंबर वार्डे मैकिंग चलछे। आज के मैकिंग टा प्राय 10:30-11:30 नागा अलीनगर तुम्हार नी कॉलोनी माठे मैक टा क्रॉस करछिलो, सेटा में आमादेर टीएमसी कैंडिडेट एसे আমাদের মাইকে ব্যানার ফেনার ছেড়ে দিয়েছে, আর যে মাইকিং করছিল ওকে হাত থেকে মাইক কাটছে। আর ওখানকার কিছু ছিলে, লোকাল ছিলে আলিনগর, কিছু লোকাল ছিলে বলছে কি আলিনগর মে মত ঢুকানো, না তো হাম আগ লাগা দেঙ্গে গাড়ি মে। ই সব ক্যা হ্যা, ইয়ে জো করা রি হ্যা, ইয়ে জো করা রি হ্যা, আমারা এক্স কাউন্সিলর ই তো একদম গুন্ডাগর্দি পর তুল গই হ্যা, ও সমঝ গই কি মেরা জমিনী স্তর খতম হোনে ওয়ালা, জমিন ঘিসক রা হ্যা। আব দিদি ইতনা কিউ নার্ভাস হো রে হ্যা, মাইকিং কিউ মেরা ছিন রে হ্যা, কোই গলত তো নেই বোল রা হ্যা। हमारा मैकिंग में यही क्वेश्चन हो रहा है कि आप प्राय 7 साल, प्राय 6 साल आप काउंसिलर में थे, तो आप क्या किए, कितना लड़का को 23 नंबर वार्ड में नौकरी दिए, वही सब बोल रहा है मैकिंग में। आपका सच्चाई मैकिंग में बोला तो आपको चिड़ लग रहा है। বিজেপি নেই এবং বিজেপি আগামী দিনে থাকবেও না, এবং সেটা তৃণমূল কংগ্রেস এনশিওর করবে, শুধু পশ্চিমবাংলা না গোটা ভারতবর্ষে। তৃণমূল কংগ্রেস ইউয়া সংগঠন কে প্রদেশ অধ্যক্ষ সায়নী ঘোষ নে সোমবার কো রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া ও কুলটে ক্ষেত্রে কে সবে তৃণমূল উমেদবারো কো লেকর অলগ অলগ সভায় কি থি অর উনমে নগর নিগম চুনাও জিতনে কে লিয়ে জোশ জগায়া থা। আব দুসরে দিন মঙ্গলবার কো সুবহ উনহোনে বনপুর কে সম্প্রীতি হল মে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা ক্ষেত্র কে সবে উমেদবারো কো লেকর ভি সভা কি। ইস সভা মে ভি पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद थे। सायनो ने अपने अंदाज में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कुछ ऐसा न करें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, पीएन घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर।